अज सवेरे अमृत वेले एक वीडियो जी चालू की गई आ मर्यादा आ गुरु पातशाह की हाजरी चाहण की कि सिर नंगा ना हो आदब ते सत्कार होवे हरेक गल नूं इस ढंग नाल आपां चलदे आं भई शायद सिख जिहड़े आ इह किसे होर पासे नूं चलदे वह गुरु रामदास पातशाह की नगरी उत्थे जिहड़ा जांदा वह जे नीवा हो के जांदा सतगुरु जी उच्चा करदे आ जिहड़ा उच्चा हो के जावे वो फिर सतगुरु जी मैं तो मूहों नहीं कुछ भी कहना चाहता कुछ आपां मीडिया वाले भी आपां सबर करिए नैशनल मीडिया सवेर का किमें उन्हों चला रहा जर वो मर्यादा गुरु पातशाह की गुरु सेम चौथे पातशाह ने उत्थे सतगुरु जी ने कृपा की चारे बूहे खुले किसे नूं नहीं रोकिया जाता पवित्र सरोवर च इनान करनूं नहीं रोकिया जाता सचखंड च कीर्तन सरवण करो रोकिया नहीं जाता प्रसाद इको जिहा दिता जाता लंगर दे विच कोई एहो जिही त्रुटी नहीं ना होवे उत्थे सारी पंगत एक थां बहिंदी आ आपां उस धरती ले भी आपां जारो लापै कर राजनीति ना करिए उहो जिहियां गल्लां सिख पंथ इहदी सिरजणा गुरु नानक देव पातशाह ने उस वेले कीती सी जदों बाबर नूं जाबर कह के अज तां आपां आजाद भारत दे विच आ उदों दा अहसास करो जदों मुसलमानां दा राज सी उस वेले गुरु नानक देव पातशाह ने लीहां पाईआं सी कि आपां गुर शब्द की पूजा करके गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ गुरु दसम पातशाह ने कहा सी मेरी आत्मा गुरु ग्रंथ दे विच मेरा शरीर गुरु पंथ दे विच ते आओ अज आपां सारे गुरु पंथ गुरु ग्रंथ दे पुजारी बनीए बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह आ हुण इत्थे आपां बैठे आ ना इत्थे दी इक मर्यादा आ हर एक स्थान की एक मर्यादा आ ते जिहड़े साडे सेवादार आ मर्यादा का ही उन्हां दी पालना करदे आ ते मैं पहला मीडिया वालों भी कहना चाहना कि किहड़ा इह राष्ट्रीय मुद्दा जिहड़ा आपां एडे पद्धर ते इहनूं चक्किया गया वो मुंडे ने जे कोई टैटू बना के अंदर ये तो चलो पता नहीं किहड़े धर्म नाल संबंध रखदी होवे जे कोई सिख भी जावे असीं अलाउ नहीं करदे सो उहनूं एडा वड्डा एक मैं समझदा हउआ बना के पेश किया जा रहा गुरु घर की अपनी मर्यादा आ श्री दरबार साहब की अपनी मर्यादा आ उस मर्यादा के अंदर केवल केसरी निशान साहब झुलदा उत्थे कोई भी तमाशबीनी जां होर इहो जिही नहीं कीती जांदी चलो जिहड़ी कोई उत्थे भाषा बोली गई पर वह भी मैं सोचता हाँ कि जिदा एक अफसर नहीं किसी मतहत को करता हों तो मैं समझदा वो मुद्दा एडा नहीं जिहड़ा उहनूं एडा बन के छालिया जा रहा अपने कहलम मैं देश की एक सिखा बदनाम करने लिये पिछे राजनीतिक सोच है जी प्रगट हो जाऊगी हौली हौली बड़ा दुख है देखो सिख देश भगत जिनी कुरबानी देश की आजादी वास्ते तो देश नूं अज तगड़ा करन वास्ते खालसा पंथ ने कीता आ जान के बड़ी साजिश नाल ऐजियां एजेंसियां लगियां जिहड़ी बदनाम कर रही तुसीं अगे क्या वी कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी मैं दास सरबदीप सिंह सेवादार परक्रमा जो पिछले दिन ही घटना हुई आ ड्यूटी ते उस संबंधी मैं संगतां नूं दसना चाहुंदा हां कि जो सोशल मीडिया ते वायरल कीती गई आ उस लड़की ने स्कल्ट पहनी हुई सी तो मैं उसनू गुरु की मर्यादा बारे दसिया कि शरीर नू ढक के पूरा जाइदा लत्तां नू ढक के जाइदा पर उन्हां वल्लों इस गल नू गलत रंगत दिती गई है हरिमंदर साहब दे विच हरेक दा सतिकार है मर्यादा पर मर्यादा सब तो अहम चीज़ है जो सानू हर एक संगत नू रखनी चाहीदी है ते जो सोशल मीडिया ते मेरे सस्पेंड वल्लों कोई भी अफवाहां फैलाईयां जाण डईयां ओह बिल्कुल गलत हन तो कृपा करके इन्हां चीज़ां ते कोई ध्यान ना दिता जावे मैं अपनी तनदेही नाल ड्यूटी निभा रहा हाँ हुण भी मैं ड्यूटी ते जा रहा बस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी